नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल इंडियन रेसिपीज विद सीमा में आपका स्वागत है। यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक करिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि घर में सब्जियां नहीं रहती या हम मार्केट जा नहीं पाते, तो ऐसे में मैं आपको एक रेसिपी बताने जा रही हूँ जो कि खट्टी मीठी चटपटी और जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। और इसे आप रोटी चावल किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं, आपको सब्जी की कमी का कोई एहसास ही नहीं होगा। और आपको अगर सब्जियों के साथ कुछ खट्टा मीठा चटपटा खाने का मन हो रहा है, तब भी आप इस टमाटर प्याज और गुड़ से बनी स्पेशल खट्टी मीठी और चटपटी चटनी को आप ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टमाटर प्याज की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए चाहिए 3 मीडियम साइज प्याज, 4 टमाटर, हरी धनिया, हरी मिर्च स्वाद अनुसार, गुड़ करीब 25 से 30 ग्राम, लहसुन अदरक का छोटा टुकड़ा, 40 ml रिफाइंड ऑयल स्वाद अनुसार, नमक, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टी स्पून हल्दी पाउडर स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टी स्पून राई या सरसों, 1/2 टी स्पून जीरा, 2 चुटकी हींग, 1/2 गिलास पानी। सभी टमाटर के ऊपर वाले पोर्शन को इस तरह से निकाल लें क्योंकि ये हार्ड होता है और जब इसे पकाते हैं तो ऑयल में जल्दी पकता नहीं है। अदरक लहसुन को कद्दूकस करके यूज करें, इस तरह से डालते हैं चटनी में तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। हरी मिर्च को बारीक काटें, अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार करें, प्याज को इस तरह लंबी लंबी स्लाइस में काटें, टमाटर को बारीक काटें और हरी धनिया को भी बारीक काटकर यूज करें। पूरी तैयारी करने के बाद गैस ऑन करें। 2 बड़े चम्मच या करीब 40 ml रिफाइंड ऑयल को फ्राई पैन में लें। देखिए इतना यूज करें आप। कढ़ाई को मीडियम या मीडियम हाई फ्लेम में गर्म होने दें। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें 1/2 टी स्पून मस्टर्ड सीड्स, 1/2 टी स्पून जीरा डालें और 2 चिटकी हींग का यूज करें। स्वाद अनुसार हरी मिर्च डालें आप, अदरक लहसुन का पेस्ट डालें इस तरह से, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा चटनी में। ये हल्का गोल्डन कलर का हो गया है, अब इसमें प्याज ऐड करें। प्याज को कम से कम 1 मिनट के लिए स्लो फ्लेम में पकाएं। प्लीज आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ये बहुत ही टेस्टी चटनी बनकर तैयार होगी। प्याज को 1 मिनट पकाने के बाद इसमें टमाटर ऐड करें और अच्छे से इसे मिक्स करें। टमाटर को थोड़ा पकाएं, ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में, रियली आप जरूर ट्राई करें इसे बनाकर। इसे आप थोड़ा ढककर पकाएं 1 से 2 मिनट तक के लिए। गैस का फ्लेम स्लो कर दें, इसे स्टीम में पकाएं, ढक्कन खोलकर देखें, ये अच्छे से पक चुका है। इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करें आप और इसे मिक्स कर दें। इसमें 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टी स्पून हल्दी पाउडर और स्वादानुसार लाल मिर्च पाउडर ऐड करें आप। इसे मिक्स कर लें। ये देखिए कितना डिलीशियस दिख रहा है। इसमें करीब 25 से 30 ग्राम गुड़ का यूज करें, गुड़ जरूर डालें आप, बहुत ही टेस्टी खट्टी मीठी चटनी बनेगी और झटपट बनकर तैयार हो जाती है। इसे मिक्स कर दें। इसमें करीब 1/2 गिलास पानी का यूज करें, इसे मिक्स कर दें और गैस का फ्लेम स्लो रखें। इसे 1 से 2 मिनट पकाएं। अब इसमें हरी धनिया डालें और मिक्स करें आप। फ्रेंड्स, यदि आपने मेरा चैनल इंडियन रेसिपीज विद सीमा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने पर आपको मेरे सारे वीडियोस उनके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।
इसे थोड़ी देर ढककर भाप में पकाएं और गैस का फ्लेम स्लो ही रखें। फ्रेंड्स, आप प्लीज वीडियो को अभी स्किप मत करिएगा। ये स्पेशल खट्टी मीठी टमाटर प्याज की चटनी बिल्कुल थोड़ी ही देर में रेडी होने वाली है। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इसे आप रोटी या राइस किसी के साथ भी खाइए और आप अपने एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपको इसे देखकर मुंह में पानी तो जरूर आ रहा होगा। खट्टी मीठी टमाटर प्याज और गुड़ की चटनी बनकर तैयार है। आप इस स्वादिष्ट चटनी का मजा लें। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल इंडियन रेसिपीज विद सीमा को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।